हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कैंसर अवेयरनेस के बारे में। और कैंसर अवेयरनेस के लिए एक सबसे बड़ा रीज़न है सैनिटरी पैड नैपकिन्स, जिसकी वजह से फीमेल्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और नैपकिन्स का एक डेमोन्स्ट्रेशन हम करेंगे, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दो, एक मार्केट वाला ब्रांड और एक ब्रांड जिसके साथ हम एसोसिएटेड हैं, उस ब्रांड के साथ में हम कंपैरेटिव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। कंपैरेटिव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें चाहिए होगा एक सिरिंज, एक मार्केट का कोई भी एक्स वाई जेड ब्रांड, और एक वो ब्रांड जिसके साथ में हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे कि किस तरीके से सिर्फ आप एक नैपकिन से ही गायनेकोलॉजिकल इश्यूज से बच सकते हैं। नैपकिन्स और सिरिंज के साथ में हमें दो ट्रेस चाहिए होंगी और दो ग्लासेस चाहिए, जिसमें पानी हम लेंगे क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी चेक करेंगे। तो बात करते हैं हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन में हम तीन मेन पॉइंट्स पर बेसिकली बात करेंगे। फर्स्ट हमारा रहेगा पैकेजिंग, दोनों प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेंगे। देन हम चेक करेंगे एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, दोनों प्रोडक्ट्स की कितनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। एंड देन वील चेक कि उसका मटेरियल किस तरीके से बना हुआ है, क्या चीज़ उसमें यूज हुआ है जिसका वो मटेरियल बना है। सो बात करते हैं, मार्केट का कोई भी एक्स वाई जेड आप ब्रांड ले लीजिए, जिसको आप एक बार ओपन करेंगे तो आप उसे ए टाइट पैक नहीं कर सकते हैं। ए टाइट पैकिंग नहीं होगी, इट मींस उसमें एयर के साथ साथ बैक्टीरियाज एंटर करेंगे। एंड जब आप उसमें से एक नैपकिन निकालेंगे इस तरीके से फोल्ड करके या कपड़े में लपेट के या न्यूज़पेपर में रैप करके, आप उसको अपने अलमीरा में या कहीं पर भी रख देंगे, जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरियाज और जर्म्स वगैरह एयर के साथ एंटर कर जाते हैं। बात करते हैं सिंगल पीस की। सिंगल पीस आप देख रहे हैं, ये यहाँ से खुला हुआ होता है, ओपन होता है। एंड ड्यूरिंग मेंसेस, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे फीमेल एक नैपकिन ही अपने बैग में कैरी करके चलते हैं। और बाहर जब जाते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, बैग हम डेली वॉश नहीं करते हैं, उसमें भी काफ़ी सारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। तो हाइजीन के पर्पज़ से अगर हम बात करें तो नैपकिन को यूज़ करने से पहले ही उसमें बैक्टीरियाज और जर्म्स एंटर कर चुके हैं। अब बात करते हैं एरीज ब्रांड की। आप देख सकते हैं एरीज एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयंस, ये एक ब्रांड है जिसकी पैकेजिंग से ही आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ से सील्ड होता है। हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप देखेंगे इसकी पैकेजिंग भी एल्यूमिनियम फॉइल से बनी हुई होती है, जिससे कि इनसाइड एंड आउटसाइड टेम्परेचर अफेक्ट ना करें नैपकिन्स की क्वालिटी को। सिंगल पीस निकाल के हम इसको एयर टाइट पैक कर सकते हैं, इट मींस जर्म्स और बैक्टीरियाज इसमें एंटर नहीं करेंगे। बात करते हैं सिंगल पीस की। सेम वही पैकिंग है जैसे मार्केट के ब्रांड्स की होती है, बट ये यहाँ से क्लोज्ड होता है। आप जूम करके देखेंगे तो ये यहाँ से क्लोज्ड होता है। अगर सिंगल पीस हमारे बैग में है, हम बाहर कैरी करके जा रहे हैं, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो या बैग का भी कोई पोल्यूशन हो, हमारे नैपकिन्स को हाइजीनिकली अफेक्ट नहीं करेगा और सेफ रहेगा। यूज़ करने से पहले उसमें कोई जर्म्स और बैक्टीरियाज एंटर नहीं करेंगे। अभी हमने यहाँ पर दोनों नैपकिन्स, मार्केट वाला भी और एरीज ब्रांड भी, ट्रे पे लगा दिए हैं, जिससे कि हम दोनों का साइज़ भी मेजर कर सकते हैं। अभी हम इस पर चेक करेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एक्चुअल में कितनी होती है, एंड देन फिर हम इसके मटेरियल की बात करेंगे। दोनों नैपकिन्स को आप देख सकते हैं, एक में हम ब्लू कलर देख रहे हैं और एक में ग्रीन कलर देख रहे हैं। जब हम इसके मटेरियल पर बात करेंगे तो देखेंगे क्या एग्जैक्टली इसमें ये कलर होता है या कोई चिप होती है, क्योंकि हम बहुत सारे एड्स भी देखते हैं जिससे हमें बताया जाता है कि इसमें इस तरीके से चिप यूज़ हुई है, बट इन एक्चुअल सेंस ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम में से कोई कभी भी नैपकिन की क्वालिटी है उसको टेयर आउट करके नहीं देखते हैं। हम चेक करते हैं एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के लिए हमने ये सिरिंज यूज़ किया है। इस सिरिंज में हम अब पानी लेंगे और इक्वल अमाउंट में पानी लें, इसीलिए सिरिंज का इस्तेमाल किया गया है। 50 ml ऑफ वाटर आप देख सकते हैं, 50 ml ऑफ वाटर पहले मार्केट वाले नैपकिन पर डाल देंगे, इससे इसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा एब्जॉर्ब करने के लिए। एंड सेम अमाउंट ऑफ वाटर 50 ml हमने एरीज ब्रांड पर डाल देते हैं। अगर हम स्टार्टिंग में देखें दोनों की, फर्स्ट लेयर को भी टच करके देखें, आप खुद से कंपैरिजन करना चाहते हैं तो दोनों की फर्स्ट लेयर भी आप टच करके देखेंगे तो आपको अलग ही एक कॉटनी और एक सिंथेटिक फील आएगा,
चाहे वो ये वाले नैपकिन की लेयर हो या इस वाले नैपकिन की लेयर हो। देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये नैपकिन पूरी तरीके से इसमें वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है। आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं टिश्यू पेपर से बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज भी जो होता है ना, मॉइस्चराइज़र से भी गीला हो जाता है। सो हम इसको चेक कर लेते हैं टिश्यू पेपर से कि दोनों में कौन सा ज़्यादा गीला है और कौन सा सूखा है। सिर्फ 50 ml ऑफ वाटर में हमने देखा है कि मार्केट वाला जो नैपकिन है वो इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है और गीला हो चुका है, और ये अभी भी ड्राई है। बट स्टिल हम इसमें थोड़ा और पानी ले लेते हैं, जिससे कि जो एक नॉर्मल एक्चुअल फ्लो रहता है फीमेल का 40-50 भी रहता है। काफ़ी सारी फीमेल्स को काफ़ी हैवी फ्लो होता है, तो दिन में 3-4 नैपकिन चेंज करने पड़ जाते हैं, तो इतना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं होता, इसकी वजह से नैपकिन बहुत सारे चेंज होते हैं। इसीलिए 50 ml ऑफ वाटर हमने अगेन लिया है और मार्केट वाले पर हमने पहले डाल दिया है। इसको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि एड्स तो हम बहुत फैसिनेटिंग भी देखते हैं कि अगर एक नैपकिन स्विमिंग पूल में गिर जाता है तो उसका पूरा पानी सूख जाता है, बट एक्चुअल सेंस में ऐसा नहीं होता। सेम अमाउंट ऑफ 50 ml ऑफ वाटर हमने ले लिया है और अभी एरीज ब्रांड पे डाल देते हैं। अगेन आप देखेंगे क्लोजली अगर देखें तो इसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपको दिखती ही नजर आएगी, कितनी जल्दी इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसकी बात करें तो 100 ml वाटर में इसमें पानी ऐसे ही निकल जाएगा ट्रे में से, जो एक रीज़न होता है साइड लीकेजेस का, जिसकी वजह से अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में है कि हम नैपकिन जल्दी से चेंज नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है फीमेल्स को कहीं ना कहीं माइंड में भी सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली ये लगा रहता है कि कहीं कोई स्टेन ना लग जाए। उसकी वजह से हमारा दूसरा काम भी हैम्पर होता है, हमारे माइंड का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी टेंशन और बढ़ जाती है। तो इस तरीके से इसमें हमने देखा, टिश्यू पेपर से ही देख लेते हैं, हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर में इसका क्या हाल हुआ है और इसका क्या हाल हुआ है। इसमें से पानी ऐसे ही स्क्वीज भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसको देख लेते हैं, इसको अगर हम कहीं से भी ऐसे प्रेस करेंगे तो कोई पानी नहीं निकलेगा, कोई साइड लीकेज जिसकी टेंशन नहीं है। 100 ml वाटर के बाद हमने इस चीज़ को देख लिया है। अब हम बात करते हैं दोनों के मटेरियल की। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हमने चेक कर ली है, बात आती है मटेरियल की। मटेरियल के लिए हम देखते हैं नैपकिन की, मार्केट का जो नैपकिन है इसकी फर्स्ट लेयर, और बात अब यहाँ से शुरू होगी डिसीजेस की भी, कि क्यों फीमेल्स को आजकल इतने ज़्यादा गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, इतने इश्यूज को फेस करना पड़ता है कि कभी कभी काम की भी छुट्टी लेनी पड़ती है, पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, और भी एक्स वाई जेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बात करते हैं फर्स्ट लेयर की। फर्स्ट लेयर आप देख रहे हैं जो कि पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है। अगर फर्स्ट लेयर ही प्लास्टिक है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अगर हम प्लास्टिक के अंडरगार्मेंट्स पहने हैं, या हमें चोट लगी है, हम डॉक्टर के पास गए, उसने हमें प्लास्टिक की पट्टी बांध दी है, हमारी चोट कभी हील नहीं हो पाएगी। प्लास्टिक के अंडरगार्मेंट्स पहनेंगे, हमारी बॉडी को ब्रीदेबिलिटी नहीं मिलेगी, ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी। हम ये चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि अगर हम एक दिन बिना सांस लिए रह सकते हैं तो 7 दिनों तक या 5 दिनों तक हम अपने ऑर्गन को, जो इतना सेंसिटिव ऑर्गन होता है, उसको 5 दिन तक या 7 दिन तक बिना सांस लिए कैसे रहने दे सकते हैं। बात आती है सेकेंड लेयर की। इस सेकेंड लेयर में ही सारे इश्यूज बनते हैं, सारी फीमेल्स को जितनी भी गायनेकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। करंट WHO की स्टडी को भी, अगर हम रिपोर्ट को भी स्टडी करते हैं, तो देखेंगे कि 75% रीज़न माना जाता है गायनेकोलॉजिकल इश्यूज का, इवन कैंसर का,
ये मार्केट के सैनिटरी पैड नैपकिन्स, जिसकी वजह से कैंसर होता है, सिस्ट जिसको रसोली बोलते हैं वो वाली प्रॉब्लम हो जाती है, फेलोपियन ट्यूब में स्वेलिंग आ जाती है, इवन फीमेल्स को कंसीव करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसको हिंदी में बोले तो बच्चा नहीं ठहर पाता है। सेकेंड लेयर की बात कर रहे हैं, सेकेंड लेयर में हमने यहाँ देखा है कि एक ब्लू कलर हमें दिख रहा है। जब ये पूरा नैपकिन बनाया जाता है, हमने फर्स्ट लेयर देखी है प्लास्टिक की है, लास्ट लेयर देखेंगे वो भी प्लास्टिक की है, पूरा पैड प्लास्टिक से ही बना हुआ होता है। इंडिया में 25 करोड़ की पॉपुलेशन है और 20% फीमेल्स को डेली पीरियड्स होते हैं, तो इतना प्लास्टिक कहाँ से आएगा? ये वही प्लास्टिक होता है नॉर्मली जो फेंक दिया जाता है, जिसको रिसाइकल करके बनाया जाता है, और रिसाइकलिंग का प्रोसेस किया जाता है तो उसमें एक केमिकल एड ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली भी, जिसको बोलते हैं डाइऑक्सिन। और इस लेयर में टोटली डाइऑक्सिन होता है। जब 3 से 4 घंटे 24 घंटे तक एक नैपकिन बॉडी के टच में रहेगा, सेंसिटिव ऑर्गन के टच में रहेगा, तो जब ब्लड के साथ में जर्म्स बैक्टीरियाज इसके टच में आएंगे तो वो रिप्रोडक्शन करते हैं। जर्म्स बैक्टीरियाज का रिप्रोडक्शन रहेगा, डार्क जगह रहेगी, गीली जगह रहेगी, ऑडर भी आती है, बदबू आती है, स्मेल आती है, जिसकी वजह से ये दोबारा से ही बॉडी में चीज़ बैक एंटर करती है। और जब बैक एंटर करता है तो कुछ अमाउंट ऑफ डाइऑक्सिन भी आपकी बॉडी में ही जाता है, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम वो एक्यूमुलेट होता रहता है, तो आज नहीं तो कल आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होनी ही होनी है, जो कि आजकल रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सिजेरियन बर्थ बहुत ज़्यादा आजकल हो रहे हैं। इसको स्क्वीज़ करेंगे तो इसमें से पानी ऐसे ही निकल जाएगा। बात करते हैं थर्ड लेयर की। थर्ड लेयर में ये जेल होता है, इस जेल को यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है कि ये एब्जॉर्प्शन कर सके और पानी को लॉक कर सके, ब्लड को लॉक कर सके। बट अभी हमने पानी से डेमो किया है तो सिर्फ 100 ml ऑफ वाटर में भी ये एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, इसमें स्क्वीज पानी ऐसे ही हो गया है। बात करते हैं फोर्थ लेयर की। फोर्थ लेयर भी आप देखेंगे तो ये कंप्लीट प्लास्टिक है, कंप्लीट प्लास्टिक की लेयर है और कंप्लीट प्लास्टिक है। हमारे ऑर्गन के लिए तो फ्रेंडली है ही नहीं, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली नहीं है, जिसमें हम सांस लेते हैं। तो ये देखा हमने, मार्केट का कोई भी आप ब्रांड लेंगे इसी तरीके से बना हुआ होता है, जिसकी वजह से फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, चाहे पेट में दर्द होना हो, कमर में दर्द होना हो, सर में दर्द होना हो, मूड स्विंग्स होना हो, चिड़चिड़ापन होना हो, या बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है पीरियड्स के टाइम पे, या और भी कोई गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हो, जब धीरे धीरे ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये कैंसर जैसी घातक बीमारी का रूप ले लेती है। और जब कैंसर और ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो सर्विक्स कैंसर हो, यूटेरस कैंसर हो, या फेलोपियन ट्यूब में स्वेलिंग आ जाना हो, जब ये और ज़्यादा बढ़ जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। और ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ ऑपरेशन से ही सही हो सकता है, ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट कराने से सही हो सकता है, या फिर अगर वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो एक ही रीज़न होता है, एक ही कारण होता है जिसकी वजह से फीमेल्स की डेथ हो जाती है, वो सिर्फ एक सैनिटरी पैड नैपकिन्स की वजह से। अब हम बात करते हैं एरीज ब्रांड की। उसकी हमने मार्केट वाले ब्रांड की 4 लेयर्स देखी थी, इसमें भी हम सारी लेयर्स को काउंट करेंगे और एक एक लेयर पे बात करेंगे कि ये किस चीज़ से बना हुआ है। फर्स्ट लेयर है एरीज की। अगर आप इसको क्लोजली देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे से होल्स आपको नजर आएंगे और ये इजीली टियर आउट भी हो जाती है, इजीली टियर आउट हो जाएगी, आराम से फट जाएगा, छोटे छोटे से होल्स हैं। इट मींस आपके ऑर्गन के टच में जो फर्स्ट लेयर रहेगी वो कॉटन की होगी और सबसे अच्छी बात ब्रीदेबल होगी। इन होल्स की वजह से आपको ऑक्सीजन पास आउट होता रहेगा और ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो आपके ऑर्गन में को ब्रीदिंग मिलती रहेगी और वो सेफ रह पाएगा, जर्म्स फ्री रह पाएगा। बात करते हैं सेकेंड लेयर की, बिकॉज हमने उसमें देखा था नैपकिन में सेकेंड लेयर में एक कलर केमिकल था, यहाँ पर सेकेंड लेयर में एक ग्रीन कलर की आपको चिप नज़र आएगी। ये ग्रीन कलर की चिप होती है नेगेटिव आयंस की बनी हुई होती है। नेगेटिव आयंस हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं,
बात करते हैं नैपकिन के कॉन्टेक्स्ट में, तो जैसे ही जब ब्लड फ्लो होता है बॉडी से और वो गर्म होता है, हीटेड होता है, जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे ही इसके टच में आते हैं ये उन जर्म्स और बैक्टीरियाज को किल कर देता है और एक कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है। और नेगेटिव आयंस आपकी बॉडी के लिए इतने यूज़फुल होते हैं, वो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। ये चिप क्या करेगी, जो लेथार्जिकनेस फील होती है हमें पीरियड्स के टाइम पे, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करके रखेगा। ऑल डे लॉन्ग हमें एनर्जी फील होती रहेगी, फ्रेशनेस फील होती रहेगी। बात हमने कर ली है इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की, तो ये गीला भी नहीं रहेगा, सूखा रहेगा, चाहे इसे 7 आवर्स तक भी यूज़ करें तो ये फ्रेश रहेगा। और ये नेगेटिव आयन से और क्या आपको बेनिफिट मिलेगा कि जब ये टच में रहेगा ऑर्गन के, तो कोई जो बैड ऑर्डर होता है या स्मेल होती है वो भी आपको नहीं आएगी। नाउ विल मूव टू आर थर्ड लेयर। ये इसकी थर्ड लेयर है, उसके साथ में फोर्थ लेयर अटैच होकर ही आ गई है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये फोर्थ लेयर भी देखने में आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा गीला है, बट ये मॉइस्चराइज है। इसको अगर मैं स्क्वीज करूँगी तो इसमें से पानी नहीं निकलेगा। और इसकी बात करें फोर्थ लेयर की, तो ये भी इजीली टीयर आउट हो जाएगी, आराम से फट जाएगी। और प्योर जो सर्जरी में कॉटन यूज़ होती है उससे बना हुआ होता है, इसको स्क्वीज करेंगे पानी नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं हम फिफ्थ लेयर की। जैसे हमने यहाँ पे थर्ड लेयर में जेल देखा था, यहाँ पर हमारे नैपकिन में फिफ्थ लेयर में जेल है। और ये जेल बहुत ही यूनिक होता है। इस जेल को, इसकी कैपेसिटी जो होती है 400 ml को एब्जॉर्ब करने की होती है। यहाँ पे हमने 100 ml वाटर डाला है सिर्फ, और ये पूरा अभी तक ड्राई है, तो इतना तो फ्लो फीमेल को नहीं होता है। तो अगर इससे ज़्यादा हैवी फ्लो भी रहता है तो भी वो सेफ रहेंगे, कोई स्ट्रेन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ये जो जेल होता है ये एडिबल जेल होता है, इसको स्वीट डिशेस में बेसिकली यूज़ किया जाता है। मैंने इसमें 100 ml वाटर डाला था जेल में, इसमें भी अप्रॉक्स अब 50 ml ऑफ वाटर होगा। इस जेल को मैं इसमें डाल देती हूँ। कुछ ही सेकंड्स में इस पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेगा और अच्छे से लॉक कर लेगा। ये है इस नैपकिन की सिक्स्थ लेयर, इसको भी टीयर आउट करेंगे, ये भी आसानी से फट जाएगी। दूसरी चीज़, इसको स्क्वीज करेंगे तो भी इसमें से पानी नहीं निकलेगा। इसकी सेवेंथ लेयर की बात करते हैं। जो सेवेंथ लेयर है उसे भी आप देखेंगे कितनी आसानी से ये फट जाएगा। और प्योर सर्जरी वाली जो कॉटन होती है, ये वो प्योर सर्जरी वाली कॉटन है। इसको स्क्वीज करेंगे, इसमें से भी पानी नहीं निकलेगा। एट लेयर की बात करते हैं। आठ लेयर का ये पैड बना हुआ होता है। एट्थ लेयर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका जो गम इसमें यूज़ किया गया है वो भी एडिबल ग्लू है। जैसे जब ये आपके अंडरगारमेंट पे टच रहेगा और अंडरगारमेंट आपकी स्किन पे टच रहेगा, तो उस गम से कोई स्किन पे इन्फेक्शन ना हो, इस तरीके से इसमें एक गम यूज़ किया गया है कि अंडरगारमेंट पे कोई इन्फेक्शन ना हो और अंडरगारमेंट से आपकी स्किन पे कोई इन्फेक्शन ना हो। और इसको भी अगर हम क्लोजली आप देखेंगे तो इसमें भी छोटे छोटे से होल्स आपको नज़र आएंगे। और इसको टीयर आउट करेंगे तो ये इजीली टीयर आउट हो जाएगी। ये पेपर मिक्स्ड कॉटन होता है, इसको अगर हम मिट्टी में डाल देंगे और दबा देंगे तो ये मिट्टी में मिट्टी की तरह ही मिल जाएगा। बायोडिग्रेडेबल है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी स्किन के लिए तो फ्रेंडली है, जिस एनवायरनमेंट में हम सांस ले रहे हैं उसके लिए भी ये फ्रेंडली है। इसमें देखा हमने, ये सारा पानी इसने सोख लिया, इसमें कोई पानी नहीं है अब, और ये स्टिल सूखा है। नैपकिन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इस पूरे पैकेट में मिलती है। ये जो नैपकिन का एरीज ब्रांड का पैकेट होता है, इसमें एक टेस्ट किट मिलती है आपको, जो कि फ्री में आपको एक गिफ्ट दिया जाता है, या फिर ये कहा जाए कि ये एक तरीके से एक वरदान है सारी फीमेल्स के लिए। जिस तरीके से आजकल हम अपना प्रेगनेंसी टेस्ट घर पर खुद ही कर सकते हैं, बहुत सारी फीमेल्स के पास, चाहे वो टाइम का इशू हो या मनी का इशू हो, पैसों का हो या किसी भी चीज़ का हो, हम बाहर जाके अपना टेस्ट नहीं करवा पाते हैं। फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो पीरियड्स का इम्बेलेंस हो या कि कोई और भी इश्यूज़ हो, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ को,
तो हम क्या करते हैं, खुद ब खुद उसको अंदर ही अंदर प्रॉब्लम को सहते रहते हैं, दर्द होता है दवाई खा लेते हैं, पेन किलर ले लेते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। सो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सही कर सकते हैं, ये एक फ्री गिफ्ट होता है जिससे कि आप उसको खुद ही चेक कर सकते हैं, जिसमें आपका कंसल्टेशन फीस भी बच जाएगा, रिपोर्ट्स वगैरह और इन सब के झंझट से आप बच जाएंगे। ये एक टेस्ट किट होती है, आप इस पे भी देख सकते हैं, वेजाइनल हेल्थ इन्फेक्शन टेस्ट किट होती है। आप इससे अपने वेजाइना का खुद से टेस्ट कर सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। ये एक बड दी हुई है आपको और यहाँ पे कुछ कलर इंडिकेटर्स दिए हैं एंड येलो कलर की पीएस स्ट्रिप दी हुई है। अर्ली मॉर्निंग में यूरिन, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन टेस्ट करना है तो यूरिन का स्वाइप इस पे लेना होगा और या तो जो लिक्विड आपके ऑर्गन पे होगा वो लिक्विड आप इस बड पे टच करेंगे कॉटन पे और यहाँ पर फिर इस येलो स्ट्रिप पे आपको टच करना होगा। फिर हमें कुछ कलर इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, अगर कलर येलो ही है इट मीन्स आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, अगर कलर इन दो में से कुछ आया है इसका मतलब आपको थोड़ा नॉमिनल सा इन्फेक्शन है, और अगर आपका कलर बिल्कुल ये डार्क ग्रीन की तरह चेंज हो गया है इस येलो स्ट्रिप का इट मीन्स आपको सीरियस इन्फेक्शन है। और वो सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है कि शुरुआत हो रसोली की या सिस्ट की जिसको बोलते हैं, फाइब्रॉइड हो जाता है या फेलोपियन ट्यूब में स्वेलिंग हो, पीरियड्स का इम्बैलेंस हो, इस तरीके की बहुत और बीमारियाँ भी बढ़ जाती हैं। नॉमिनल इन्फेक्शन का मतलब होता है पीरियड्स का इम्बैलेंस होना या फिर पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, सर में दर्द होना, और बहुत सारी फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है वाइट डिस्चार्ज की, लिकोरिया की या सफ़ेद पानी जिसको बोलते हैं, या जब हम बाहर जाते हैं पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं तो स्किन एलर्जी हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, उसके लिए ये एक और वेराइटी आती है एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयंस की पेंटी लाइनर्स के नाम से। इसको रेगुलरली हम यूज़ करेंगे तो जो यूरिन इन्फेक्शन और ऑर्गन में जो भी इन्फेक्शन आया है जो हमने टेस्ट किया है वो इससे रेगुलर बेसिस पर ठीक होता रहेगा। थैंक यू सो मच। सारे इन्फेक्शन्स को हम ट्रीट कर सकते हैं, रेगुलरली बेसिस पर ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपका कोई और क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, किस तरीके से इस नैपकिन को ऑर्डर कर सकते हैं, तो नीचे तो जिस पर्सन ने आपके साथ ये वीडियो शेयर करी है आप उनसे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।